So Aishwarya, firstly, welcome to IWM Buzz. Thank you so much. Congratulations for getting no Roka ceremony hua hai abhi. Thanks a Congratulations lot. For completing 100 episode of Ghum Hai Kis Pyar Mein. Thank you so much. ये जो वीक रहा है काफी आपके लिए नो लकी रहा है वी कैन से या वी कैन से इट्स गोइंग अ गुड टाइम्स. क्या Yes. बोलना चाहोगे इस दौर को ना इस टाइम को? इस टाइम को तो मैं यही बोलूंगी, सबसे पहले थैंक यू सो मच गॉड मुझे इतनी अच्छी चीजें देने के लिए. सबसे पहले शो एंड देन ऑफ कोर्स नील. सो मुझे शो से बहुत सारी चीजें मिली है, बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत अच्छा शो हमारा चल रहा है, बहुत अच्छी टीआरपी आ रही है, हमारा शो सेकंड नंबर पे है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी. और जिस तरह से पाखी को प्यार मिला है मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग पाखी को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव वे में ले रहे हैं. दैट मींस आई एम डूइंग समथिंग गुड आई थिंक. बहुत सारे लोगों को लग रहा है नहीं ये गलत है, बहुत सारे लोगों को उसका पेन फील हो रहा है. मैं चाहती हूँ लोगों को लगे वैसा, बट वो पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये दो एक कपल के बीच में आ रही है. सो ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है. सो या मुझे बहुत कुछ मिला है शो से, आई एम रियली हैप्पी. सो जब पाखी की बात आती है नो सबसे पहले लोगों को लगता है कि साई और विराट के बीच में आ गई है पाखी. मेन थिंग तो लोगों का यही है, लेकिन जब पाखी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विराट उसका पहला प्यार है ना. विराट से बहुत सारे उसने उम्मीदें लगा के रखी थी. सो अब पाखी एक नया यू नो गेम स्टार्ट कर रही है काकू से मिलकर, मामी जी से मिलकर. सो पाखी कुछ भी नया गेम स्टार्ट नहीं कर रही है, ये पूरा प्लान काकू का ही किया हुआ है. पाखी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है किसी भी गेम में. अब जब आप सीन भी देखेंगे बहुत सारे सीन्स ऐसे गए हैं जिसमें काकू बोलती है कि मैं देखना मैं आज ऐसा करूंगी. मैं उससे पूछती हूँ आप ऐसा क्या करने वाली है, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं रहता. इवन मसाले पीसने वाला एपिसोड जो था उसमें आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट. आई वॉज लाइक कि ठीक है अगर घर वाले बोल रहे तो तुम इतना सा नहीं कर सकती, तुमको ये करना चाहिए. और इसमें इस शो में ऐसा है कि तानेबाजी बहुत ज्यादा होती है. हर कैरेक्टर एक दूसरे को ताने मारता है, या पाखी हो या सई हो या अश्विनी जी हो या भवानी जी हो, सब एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं. सो इसमें पाखी कभी प्लान नहीं करेगी, पाखी कभी भी छीनने की कोशिश नहीं करेगी विराट को, बिकॉज उसको पता है कि विराट अब उसका है ही नहीं. और उसको फील होने लगा है कि विराट इज फॉलिंग इन लव विथ हर ऑलरेडी. उसको हर चीज एक महसूस हो रही है, वो उसको हर चीज वो लग रहा है कि तुम मुझे सब दिख रहा है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मुझसे छुपाओ मत. पर पाखी ने कभी ऐसा किया नहीं, छीनने की कोशिश नहीं की है सही से विराट को. ऐसा आज अभी तक तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा. हाँ तुम दो लोगों के बीच में आके उन दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, आई हैव नेवर फेल्ट दैट. या तो जब बात किया जाए शो की तो शो ने तो 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए. कैसा रहा है ये 100 एपिसोड का अनो सफर अब तक का? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, बहुत मेमोरेबल रहा है हमारा, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन्स हुए हैं. और मुझे जो सीन्स करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता था वो तो मुझे बहुत मजा आया है करने में. अभी तक मुझे ऐसा लगता था वाओ दिस इज समथिंग गुड व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू डू. क्योंकि जो फील होती है, जो इमोशंस होते हैं सीन के, तो हम हमारा पूरा हार्डवर्क उसमें डाल रहे हैं. हम लोग बहुत मेहनत करते हैं सारे एक्टर्स. और इस शो की एक खास बात यह है यहाँ पे हर एक्टर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं सब लोग और बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं कैरेक्टर. सो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, और आगे भी हो मैं तो विश करती हूँ कि बहुत सारे एपिसोड्स में शो के. ओके सो ऐश्वर्या मैं आपसे जानना चाहूंगी अब तक का कौन सा आपका जो फेवरेट सीन रहा है शो में? आपको ऐसा लगा कि कोई सीन बहुत टफ हो लेकिन आसानी से आपने वो कर लिया हो? आसान तो कुछ नहीं होता ऑनेस्टली, बट मेरे तो जितने भी सीन्स गए हैं अभी तक के मेरे तो सारे ही फेवरेट थे. बट मेरे और विराट के स्पेशली जो इमोशनल सीन आते हैं हमेशा, नॉट एक सीन, जितने भी सीन्स होते हैं वो करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज एक लड़की का पेन जो है ना अंदर जो भरा हुआ होता है,
मैं कैसे बताऊं मेरी फीलिंग्स, मैं कैसे एक्सप्रेस करूं तुमको, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो सारी चीजें बाहर आ जाती है। और मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंसान हूँ, और पाखी का ऐसा, पाखी मेरे अंदर घुस जाती है, ऑटोमेटिकली आंसू आने लगते हैं। पता नहीं, मैं बहुत बार, मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हूँ, जब स्क्रिप्ट आती है, डायलॉग्स इतने ब्यूटीफुल लिख के आते हैं, सीरियसली थैंक यू बोलना चाहूंगी राजेश चावला सर को, बहुत ही अच्छी अच्छी लाइंस आती है पाखी की, और वो पता नहीं ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है, उतर जाती है, और सडनली मुझे एकदम, मेरी आंखें नम हो जाती है, मेरे आंसू बहने लगते हैं, तो वो सीन में ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस निकल आता है। जी बहुत ही अच्छा लगता है पाखी के सीन्स करना मुझे, जो उसकी फैमिली के साथ सीन्स होते थे पाखी के, मुझे वो भी अच्छा यस लगता था, जो भवानी मैम के साथ मेरे सीन्स होते हैं इमोशनल, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं करने में। बहुत, पाखी का कैरेक्टर मैं बोल सकती हूँ बहुत चैलेंजिंग है, यस बहुत ज्यादा, बिकॉज जिसमें इसको बहुत कुछ करने को मिल रहा है, शी इज नॉट अ गोपी बहू, वो यस आदर्श बहू है, बहुत ज्यादा, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, करियर ओरिएंटेड है, और क्योंकि वो चवान परिवार में उसकी शादी हुई है, तो उसको घर में सबने सिखाया है कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, उनको कैसे जवाब देना है, कैसे नहीं देना है, तो बहुत ही समझदार लड़की है, तो उसने अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए पूरा सैक्रिफाइस किया है। सेट पे अब कैसा माहौल है? मोस्टली मैं हमेशा हमेशा मैं यही देखती हूँ कि आप लोग कितना मस्ती करते हो। माहौल तो बहुत अच्छा रहता है, जब फैमिली सीन्स होते हैं तब तो मस्ती होती रहती है, जब अकेले होते तब भी मस्ती होती रहती है, ऐसा नहीं होती, बट एक्चुअली मेरी ऐसी आदत है कि मैं चुप नहीं खड़ी रह सकती जैसे ही सीन ओवर होता है, रीडिंग खत्म होती है, मेरा चालू हो जाता है, अरे यार बोलो क्या एक्चुअली सेट पे, और सारे एक्टर्स ऐसे, नॉट मी अलोन, सब लोग मस्ती हो रहे हैं यहाँ पे, सब एक से बढ़ के एक है यहाँ पे, सबके साथ जो मस्ती करने में मजा आता है सेट पे, जी क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस सीन्स होते हैं, बहुत लेंदी सीन्स होते हैं, बहुत यस लंबे लंबे, लाइक 11-12 पेजेस, इतने लंबे लंबे सीन्स आते हैं, और हमको खड़ा रहना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हम पूरे टाइम उसमें घुस के नहीं रह सकते, हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, सो इसीलिए हम लोगों को मस्ती करना बहुत जरूरी है, तो बीच बीच में हमारा चलता रहता है, चलो कर, वो एक्चुअली प्लान नहीं होता कुछ भी, सडनली अच्छा चलो नाश्ते करो 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 अच्छा ये करते वो करते, कोई एक दूसरे की मिमिक्री करने लग जाता है, तो कोई कुछ और करने लग जाता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग पीजेस मारने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे, गंदे गंदे पीजेस, समटाइम्स आई एम लाइक ओके मैं क्या करूँ, अब हो गया खत्म, मैं चुप नहीं रह सकती, एक्चुअली बचपन में भी मुझे, मेरा गला खराब हो जाता था, जब मैं सिंगिंग सीख रही थी तो मेरा गला खराब हो जाता था गाते गाते, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि इसको गाने मत दो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसको सिर्फ दिन में 10 मिनट बोलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बोल सकती, आई थिंक 10 मिनट यू कैन स्टॉप सो योर सेल्फ। मैं चुप ही नहीं रहती थी, 10 मिनट भी चुप नहीं रहती थी हाँ अब मैं बहुत बोलती हूँ, मैं गाती भी रहती हूँ तो मेरा गला ठीक हो गया, मैं चुप नहीं रह सकती, सॉरी आई एम अ गुड पर्सन। ऐश्वर्या, जब बात किया जाए शो के आपके कैरेक्टर की, पाखी को जैसे कि आपने बोला कि नेगेटिव कैरेक्टर, लोग नेगेटिव कैरेक्टर वे में लेकर जाते हैं या उसको पसंद नहीं करते, सो आप वो फीडबैक कैसे लेती हो? आप कैसे उस चीज को इग्नोर करते हो जब फैंस के इतने सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स आते हैं तो? इग्नोर तो मैं किसी को नहीं करती, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोग क्या लिख रहे हैं, उनके ओपिनियन है, उनकी सोच है, मैं उसको बदल नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ, अब इंडिया में स्पेशली बहुत हिपोक्रेसी है ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर दो, एक कपल के बीच में एक औरत आ गई, मतलब इसका मतलब तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम शेमलेस हो, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया पाखी ने ऐसा क्या किया है, वो कैरेक्टरलेस और शेमलेस हो गई है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आती, मैं बोला ठीक है इट्स योर चॉइस, आपको देखना है जिस नजरिए से आप जी देखिए, बट उन लोगों का ऐसा होता है कि वो लोग रील और रियल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो समझते कि आई एम एग्जैक्टली एक्चुअल, आई एम पाखी इन रियल लाइफ, आई एम नॉट, आई एम नॉट पाखी इन रियल लाइफ, और पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा लोग उसको नेगेटिव ले रहे हैं, लेना नहीं चाहिए, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पाखी के लिए सिंपैथी है उनके मन में कि यार एक्चुअली गलत उसी के साथ हुआ है, शी इज द मेन विक्टिम ऑफ द शो, कि इसको कुछ नहीं मिला है, बाकी सबको तो सब कुछ मिल रहा है,
इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, व्हाट इज शी गेटिंग? सो या थोड़ा सा है कि बहुत लोगों को यही लगता है कि नहीं, इसके बीच में आ रही है. अगर यही पाखी किसी वेब सीरीज में होती तो वो लोग बोलते, अरे यार क्या एक्टिंग करती है, अरे इस फिल्म में इसने ऐसा किया, अरे क्या एक्टिंग करती है लड़की यार, कितना अच्छा रोल प्ले किया है. और जैसे ही किसी सीरियल की बात आ जाती है तो यहाँ पे वो लड़की एकदम वैम्प हो जाती है. मुझे समझ में ही नहीं आता. आप लोग पॉजिटिव लेने की कोशिश तो करिए, आप एक्टिंग को सराहिए ना. आप मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं रियल लाइफ में पाखी हूँ? आई एम नॉट, आई एम जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर हियर. सो मुझे लगता है कि ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको जैसा बोलना है बोलिए. बहुत सारी हेटेड कमेंट्स आती है मुझे, मैं पढ़ के मुझे कभी कभी हंसी भी आती है. लोग कैसे, मतलब उनको दिखता नहीं मैं कौन हूँ रियल लाइफ मैं क्या हूँ रियल लाइफ में, लोग वो कैसे भूल बोलो. जाते हैं कि आप रियल लाइफ में ऐश्वर्या हो। एग्जैक्टली. सो बहुत ज्यादा लोग, मुझे बस यही बोलना था कि आप लोग थोड़ा देखो कि मैं क्या कर रही हूँ. आई एम प्लेइंग अ रोल. अगर मैं सच में ये चीज बोल रही हूँ कि अगर मैं अभी, जैसे वेब सीरीज का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी नेगेटिव रोल उसमें प्ले करता है, नेगेटिव नेम विलेन का, जो भी व्हाटएवर रोल, गैंगस्टर का कोई रोल प्ले करता है, उसको इतना दैट बिकम अ अप्रिसिएशन मिलता फेमस है. अप्रिसिएशन मिलता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है. नहीं, शी इज चुड़ैल. ये तो ये तो लोगों के बीच में आ रही है. मैं पाकी कभी दो लोगों के बीच में नहीं आई है ऑनेस्टली. उसमें बहुत ज्यादा केयर करती है विराट की. ओके सो चलो फाइनली वैलेंटाइन डे इज ऑन द वे एंड इट्स स्पेशल प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड। यार, मुझे तो पता ही नहीं है वैलेंटाइन्स डे आने वाला है कब है. आज 14th. ऐसे प्रिपरेशन नहीं है, वी डोंट हैव टाइम. ऑनेस्टली हमको बहुत कम टाइम मिला था जाने के लिए भी. 2 दिन में हम बहुत भागे, हम लोग सोए तक नहीं है. तो इधर से उधर जाना, मेरे होम टाउन में हुआ था जो भी सेरेमनी हुआ था. सो हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, शूट से घर, घर से फ्लाइट, फ्लाइट से फिर मंदिर, फिर वहां, फिर घर, फिर ये वो. ओ गॉड, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था. तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिला. हम लोग शूट कर रहे हैं, यही खुश है, यही हमारा घर है यार, यही फैमिली बन गई है अब तो. ओके सो एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस हु आर स्टिल लविंग योर कैरेक्टर एंड योर शो। या सो यही मैसेज है कि आप लोग प्लीज देखते रहिए गुम है किसी के प्यार में. और हम सभी लोग, सभी, ईच एंड एवरी कैरेक्टर यहाँ पे बहुत मेहनत करता है शो के लिए. हम सभी लोग आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए परफॉर्म करते हैं, ताकि आप सभी लोग देख पाए हमारा शो. हमारे टीआरपी आप लोगों की वजह से ही आ रही है. सो मैं सच में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों की वजह से हमारे 100 एपिसोड्स पूरे हुए हैं. देखते रहिए और आपका प्यार देते रहिए. बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के भी मुझे थोड़ा सा हंसी आ जाती है. क्या करूं, हर चीज को आप नेगेटिव भी लिखोगे, मैं हंसी निकलती. तो मैं हर चीज को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हूँ. तो ठीक है, आपको जैसा सोचना है वैसा सोचिए. अब मैं कोई, आप बोलते रहेंगे मैं हंसती रहूंगी, ये मेरा है. सो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द शो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम और इतनी सारी हंसी लाने के लिए हमारे बीच में। थैंक यू सो मच, ऐसी हंसते रहिए हमेशा। आप भी हंसते रहिए, ऐसे अच्छा लगता है. यस थैंक यस यस थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यू, थैंक यू.